ऐसे आज की वीडियो में मैं आप सबको बताने वाला हूँ टॉप 5 क्रेजी ओपन वर्ल्ड गेम्स और एंड्रॉइड के बारे में। तो जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि आजकल एंड्रॉइड पर सबसे ज़्यादा चलने वाला और सबसे ज़्यादा पसंद करने वाली गेम ओपन वर्ल्ड होती है, जो आज सब लोगों को पसंद आती है। तो इसलिए मैं आप सबके लिए रहा हूँ टॉप 5 ऐसे ओपन वर्ल्ड गेम जो सबसे ज़्यादा चलने वाले और सबसे ज़्यादा क्रेजी होंगे। तो चलो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो नंबर 5 पर हमारे पास आते हैं गॉट सिमुलेटर। ये एक बेस्ट ओपन वर्ल्ड गेम है जिसमें आपको एक गॉट होता है, कि इसका ये मतलब है कि आप एक गॉट होते हैं जिसमें आपको एक गॉट की किरदार को प्ले करना होता है। जैसे एक बकरी, आप एक बकरी की किरदार को अदा करते हैं। लेकिन ये एक बेस्ट ओपन वर्ल्ड गेम है क्योंकि ये इसमें आप कुछ जो चाहे वो कर सकते हैं, जहाँ चाहे वो घूम सकते हैं। तो ये एक बेस्ट ओपन वर्ल्ड गेम होने के साथ साथ एक बेस्ट स्टोरी लाइन गेम भी है। तो इसे आप एक बार ज़रूर खेल लीजिएगा। तो चलो बढ़ते अपने नेक्स्ट गेम की तरफ। तो नंबर 4 पर हमारे पास आता है गेंशाइन इम्पैक्ट। एक बेस्ट ओपन वर्ल्ड गेम होने के साथ साथ एक बेस्ट ग्राफिक्स गेम भी है, क्योंकि इसकी ग्राफिक्स, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी ग्राफिक्स बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि इसकी साइज़ तकरीबन 15 GB के आसपास अंदर होती है और 3-4 GB बाहर होते हैं, तो ये तकरीबन 20 GB की बनती है। तो इसलिए ये गेम बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा होगा। तो अगर आपके साथ पास एक बेस्ट फोन है जिसकी एक बेस्ट स्टोरेज है, तो आप एक गेम को एक बार जरूर खेल लीजिएगा, क्योंकि ये गेम बेस्ट है। तो चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट गेम की तरफ। तो नंबर 3 पर हमारे पास आता है EVU Echoes। तो ये एक ओपन वर्ल्ड गेम होने के साथ साथ एक बेस्ट ग्राफिक्स गेम भी है, जो आपको इजीली प्ले स्टोर पर अवेलेबल मिल जाएगा। तो ये एक बेस्ट ग्राफिक्स गेम भी है, क्योंकि इसकी ग्राफिक्स की बात करी जाए तो एक पिक्चरिस्टिक ग्राफिक्स रखता है, क्योंकि ये ग्राफिक्स बहुत सारे ये दुनिया की बाहर होती है। और एक ओपन वर्ल्ड गेम है जिसमें आप कुछ भी कर सकते हैं और जगह जगह पर घूम सकते हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये गेम कितना बढ़िया और कितना अच्छा होगा। तो अगर आपको एक पिक्चरिस्टिक ग्राफिक्स गेम पसंद है, तो आपको एक बार ज़रूर खेल लेना चाहिए। तो चलो बढ़ते अपने नेक्स्ट गेम की तरफ। तो नंबर 2 पर हमारे पास आता है GTA San Andreas। तो ये एक बेस्ट ओपन वर्ल्ड गेम होने के साथ साथ एक बेस्ट स्टोरी लाइन गेम भी है। तो जैसे कि आप सब लोगों को पता होगा, क्योंकि ये गेम सबसे मशहूर और सबसे ज़्यादा चलने वाली गेम है, क्योंकि GTA San Andreas और GTA Vice City आज तक गेमिंग की दुनिया में सबसे ज़्यादा चलने वाली गेम है। मेरे ख्याल से सारे लोगों ने इसको प्ले किया होगा और खेला होगा। और आप सब लोगों को ओपन वर्ल्ड गेम खेलना पसंद है, तो आप इस गेम को एक बार ज़रूर खेल लीजिएगा, क्योंकि ये मोबाइल पर बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे मज़े देते हैं। तो आपको इसको मोबाइल पर एक बार ज़रूर ट्राई कर लेना चाहिए। तो चलो बल्टे अपने नेक्स्ट गेम की तरफ। तो पहले नंबर 1 हमारे पास आती है ब्लैक डेजर्ट मोबाइल। तो अगर इस गेम को क्रेजी ओपन वर्ल्ड गेम कहा जाए, तो ये कम नहीं होगा, क्योंकि ये एक बेस्ट ग्राफिक्स भी इसके साथ साथ रखता है। क्रेजी मैं इसलिए कहता हूँ कि इसकी स्टोरी लाइन बहुत बढ़िया और बहुत बेस्ट है। तो इस गेम को आपको एक बार ज़रूर खेलना चाहिए, क्योंकि इसकी सिनेमेटिक्स बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छी है। तो आपको इस गेम को एक बार ज़रूर ट्राई कर लेना चाहिए, क्योंकि ये गेम बेस्ट ग्राफिक्स, बेस्ट सिनेमेटिक और बेस्ट कैरेक्टर देती है, जिसकी विजुअल इफेक्ट्स भी बहुत अच्छी है। तो अगर आपने आज तक ऐसी गेम को नहीं खेला जो आपको मोबाइल पर भी PC का मज़ा देता है, तो आजकल मोबाइल पर ऐसी गेम नहीं लॉन्च होते जिसके ग्राफिक्स अच्छे होते हैं। तो इसलिए ये ऐसा गेम है जिसकी ग्राफिक्स अच्छे और ओपन वर्ल्ड भी है। तो आपको इस गेम को एक बार जरूर खेल लेना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उतने के लिए खुदा हाफिज।